हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये देखिए कंपोनेंट्स मीन्स क्या होता है, कंपोनेंट्स मीन्स अवयव, मीन्स आप एक टाइप में कह सकते हैं पुर्जे, ठीक है। किस जैसे फूड को किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ पुर्जे लगते हैं ना, वैसे फूड को बनाने में कौन कौन चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये किया था, एक क्वेश्चन उठा था लास्ट वाली वीडियो से हम लोगों ने, जो आप लास्ट वीडियो इसके देखेंगे उसमें ये था कि फूड में हमको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ही खाना क्यों ज़रूरी है, उससे हमें क्या मिलता है। तो वो एक क्वेश्चन हुआ था, उसका आंसर मैंने उस वीडियो में नहीं दिया था, वो हम लोग आगे आज देखेंगे। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, फूड आइटम्स कंटेन, ये आज का हमारा टॉपिक है कि डिफरेंट टाइप के जो फूड होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, उनमें क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं। जैसा इसमें बताया गया है कि जितने भी प्रकार के डिशेस हम खाते हैं वो एक या फिर बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलके, मतलब सामग्री से मिलके बनाई गई होती हैं, और वो सामग्री या तो प्लांट से बनी होती है या फिर एनिमल से बनी हुई होती है। और यही सामग्री, यही जो सामग्री है, ये टेबल हम लोगों ने देख लिया था, ये जो सामग्री होती है जो मैंने बताया कि फूड में फूड बनाने में जो यूज होती है, वो कुछ कंपोनेंट उसमें होते हैं, ठीक, उनमें कुछ कंपोनेंट होते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स अभी मैंने बताया पुर्जे, या फिर आप उनको कह सकते हैं अवयव, साइंस की भाषा में कह सकते हैं अवयव। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, कौन से कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी, जिनकी हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड, अब आपको ये मेजर न्यूट्रिएंट्स आपको हेडिंग डाल के एक ये नोट टाइप में बनाना है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। इन एडिशन फूड कंटेंस डाइट्री फाइबर्स, वाटर, ये आपको बस ये पाँच याद करने हैं, कौन कौन से आपको याद करना है, देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये पांच, और बाकी तो वाटर तो रहता ही, वो तो आपको पता ही है, ठीक। अब एक क्वेश्चन इसमें देखिए एक और इन्होंने उठाया है, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या जितना भी फूड हम लोग खाते हैं उनमें ये पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो आपको मैं बताना चाहूँगा नहीं। देखिए विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और आर रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स, कह रहे हैं कि एक सिंपल से मेथड से हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि ये जो पका हुआ भोजन है और ये जो कच्चा भोजन है, वह फूड है, क्या इसमें हम लोग इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, हम लोग सिंपल से टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं, ठीक है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इन तीनों को पहचानने का, मतलब हमारे फूड में ये तीनों पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, इनको पहचानने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो अदर न्यूट्रिएंट्स से थोड़ा सा आसान पड़ते हैं। अब कह रहे हैं लेट अस डू दीज टेस्ट्स एंड रिकॉर्ड ऑल अवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, एक टेबल दी गई है 2.2, देखिए वो अगर आपके पास बुक है तो देखिए उसी में नेक्स्ट पेज पर बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टेबल 2.2, इसमें आपको करना ये है, आज का आपका वर्क यही है कि आपको इस टेबल में फिल करना है कि कौन सी चीज़ में स्टार्च होता है, कौन सी प्रोटीन को, आपको ये गूगल करके करना है, क्योंकि आप इस समय घर पे हैं तो आप ये ना ही किसी लैब में जाके कर नहीं सकते या फिर आपको कोई बता दो सकता नहीं है, तो आपको सिंपली गूगल करना है। बाकी इसी टॉपिक में जो भी हमारा चल रहा है, ये देखिए इसमें देखिए टेस्ट फॉर स्टार्च दिया गया है, कुछ कैसे करेंगे वो बताया गया है, टेस्ट फॉर प्रोटीन दिया गया है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा आगे, और फिर आप लोग सीखते जाएंगे, एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो आपको मिलती जाएगी। अभी बस आप ट्राई करेंगे कि आप इसको गूगल पर करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या हो, जैसे रॉ पोटैटो लिखा है, इसमें आपको देखना है क्या होता है, स्टार्च होता है या प्रोटीन होता है या फैट होता है, तो इन्होंने बता दिया जैसे कि इसमें स्टार्च होता है, ऐसे ही मिल्क में क्या होता है इन्होंने बता दिया। अब आपको इसी तरीके से जितने इसमें नीचे तक ये दिए हुए हैं आपको इनका आगे करना है, ठीक। यही आज आपका इतना वर्क है, बाकी का हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
ये वर्क करिए,